नमस्कार जी, आप सभी का मेरे चैनल हिमाचली रेसिपी एंड गार्डनिंग में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए पास्ता, मिर्ची, मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, फ्रेंच बीन्स और प्याज। सबसे पहले गैस में कढ़ाई रखें और उसमें पानी डालें। जब पानी उबल जाए तो उसमें नमक डालें। अब इसमें पास्ता डालें। पास्ता को अच्छे से उबलने देना है। गैस में पैन रखें और इसमें बटर डालें। फिर इसमें 2 से 3 चम्मच मैदा डालें। अब इन्हें अच्छे से मिलाना है। गैस को लो फ्लेम में रखें और इसे लगातार चलाते रहें। जब मैदा रोस्ट हो जाए तो इसमें दूध डालें। दूध को एक साथ नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे चलाते रहें। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालें और 1 पिंच गर्म मसाला डालें। हमारी व्हाइट सॉस रेडी है। हमारा पास्ता भी पक गया है। अब इसे अलग प्लेट में निकालें। अब गैस में कढ़ाई रखें और उसमें तेल डालें। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें गाजर डालें। प्याज, फ्रेंच बीन्स, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, शिमला मिर्च। अब इनको अच्छे से मिलाएं। इसमें नमक डालें। अब इसमें व्हाइट सॉस मिलाएं और सबको अच्छे से मिलाएं। अब इसमें पास्ता डालें और सबको अच्छे से मिलाएं। गैस को लो ही रखें। हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता घर में ही बनके तैयार है। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।